हेलो एवरीवन, मैं दिलीप शर्मा। स्वागत है आप सभी का ग्लोबल कृषि कोचिंग इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। सॉइल साइंस मृदा विज्ञान में ही एक छोटा सा टॉपिक सॉइल पीएच, जिस टॉपिक से पीएटी प्री एग्रीकल्चर टेस्ट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। कंटिन्यूअसली यहां से क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। तो चलिए विदाउट टाइम वेस्ट अपन स्टार्ट करते हैं। सॉइल पीएच ध्यान देंगे, कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है जो एग्जाम पे पूछा गया है। सॉइल पीएच, तो यहां पर पीएच की डेफिनेशन की बात करेंगे कि व्हाट इज पीएच। तो यहां पर याद रखिएगा, निगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन इन द सॉइल। निगेटिव लॉगरिथम हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन इन सॉइल, मृदा में हाइड्रोजन आयन्स के ऋणात्मक लघुगणक को ही क्या कहा जाता है? पीएच कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पीएच। इसलिए डेफिनेशन याद रखिएगा, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन इन द सॉइल। पीएटी के केस में हम बात करेंगे, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, सॉइल पीएच इज मेजर्ड बाय। सभी को पता है कि सॉइल पीएच किसके द्वारा मेजर किया जाता है? पीएच मीटर के द्वारा किया जाता है। यहां पर क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि पीएच स्केल पीएच मीटर किसके द्वारा दिया गया? तो साइंटिस्ट का नाम क्या है? सोरेनसन। तो पीएच मीटर इज गिवन बाय सोरेनसन, 1909 पे दिया गया। तो जो पीएच स्केल जो होता है वो किस चीज को मेजर करता है? इस पॉइंट को सिंगल स्टार करेंगे, एग्जाम में आया हुआ है कि पीएच स्केल पीएच मीटर किस चीज को मेजर करता है? एक्टिव एसिडिटी या पैसिव एसिडिटी ऑफ सॉइल। तो याद रखिएगा कि पीएच स्केल वनली मेजर द वनली एक्टिव एसिडिटी ऑफ सॉइल। क्लियर हुआ? यदि हम पीएच स्केल के रेंज की बात करेंगे तो याद रखिएगा 0 to 14 होता है। देन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, पीएच स्केल का जो यूनिट है उसकी इकाई है, तो पीएच स्केल का इकाई होता है मोल्स पर लीटर होता है, ठीक है। देन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द पीएच रेंज ऑफ मिनरल्स। व्हाट इज द पीएच रेंज ऑफ मिनरल्स? तो मिनरल्स का जो पीएच रेंज है वो ह्यूमिड रीजन पे आर्द्र क्षेत्रों में 5 से 7 होता है। तो ह्यूमिड रीजन पे मिनरल्स का पीएच वैल्यू कितना होगा? 5 to 7। एंड एरिड रीजन पे शुष्क क्षेत्रों में जो पीएच का रेंज होता है 7 to 9 होता है। वैसे तो यदि पीएच की बात करेंगे तो आप सभी को पता है, यहां पर यदि बात करें हम न्यूट्रल का, तो जो न्यूट्रल का जो पीएच का जो रेंज होता है, न्यूट्रल पीएच सॉइल का जो पीएच होता है वो कितना होता है? 7। यहीं पर यदि हम बात करें एसिडिक कंडीशन का, तो एसिडिक पे सॉइल का पीएच वैल्यू हो जाएगा less than 7। और यहीं पे यदि बेस की बात करेंगे तो बेसिक क्षारी मृदा बेसिक कंडीशन पे हो जाएगा more than 7। बट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता था, अब आंसर लगेगा बेसिक सॉइल पे तो more than 8.5। यदि एसिडिक कंडीशन पे क्वेश्चन पूछे तो less than 7 तो होता है, बट आंसर लगेगा less than 6.5। इस तरीके से एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। देन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट नेक्स्ट वन, एवरेज पीएच वैल्यू ऑफ इंडियन सॉइल। भारतीय मृदा का औसत जो पीएच मान कितना होता है? तो याद रखिएगा 6.5 to 7.5। ये बहुत बार एग्रीकल्चर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जा चुका है कि एवरेज पीएच वैल्यू ऑफ इंडियन सॉइल, इंडियन सॉइल का औसत जो पीएच मान कितना होता है? तो याद रखिएगा 6.5 से 7.5 होता है। लास्ट क्वेश्चन, मोस्ट ऑफ द क्रॉप, जितने भी फसल है तो मोस्ट ऑफ द क्रॉप, उन फसलों के लिए सबसे बेस्ट पीएच रेंज कितना होता है? तो याद रखिएगा 5.5 to 6.5 बेस्ट पीएच फॉर क्रॉप कल्टीवेशन, ठीक है। फसल उत्पादन के लिए सबसे अच्छा जो पीएच रेंज होता है वो कौन सा है? 5.5 से 6.5, 5.5 to 6.5। अच्छा, कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि क्रॉप कल्टीवेशन के लिए किस तरीके का सॉइल अच्छा होता है? वहां पे सॉइल एलिवल नहीं होता कि कछारी मृदा अच्छी मृदा है, चिकनी मृदा अच्छी मृदा है, तो वहां पर क्या रहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एज अ मोस्ट सुटेबल फॉर कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप। तो याद रखिएगा, ऑप्शन पे रहेगा एसिडिक, ऑप्शन बी पे रहेगा न्यूट्रल, ऑप्शन सी पे रहेगा सलाइन, एंड ऑप्शन डी पे रहेगा एल्कलाइन। तो उस कंडीशन पे आंसर करिएगा एसिडिक, देन एसिडिक कंडीशन इज अ मोस्ट सुटेबल फॉर क्रॉप कल्टीवेशन। क्लियर?
तो एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक, यहां से बहुत सारे एग्रीकल्चर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। थैंक यू।